एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आपकी सेकंड राउंड की एक अपडेट आपकी निकल के आ रही है। अलॉटमेंट से रिलेटेड, अपग्रेड से रिलेटेड डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके छोटे छोटे डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो, आप आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च करोगे मेरा नाम सत्यम तिवारी, मैं टेलीग्राम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। आप मेरा चैनल सर्च करोगे टेलीग्राम पर एग्री जर्नी, तो वहां पे भी आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रिलेटेड अपडेट आती है सारी वहां पे डालता रहता हूँ आपके। लाइक बहुत सारे बीएससी, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत सारी जॉब्स होती है उनसे रिलेटेड आपकी अपडेट्स आती है, सब कुछ वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, और सेशन आपका बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो फाइनली सेशन लेट के साथ साथ इन्होंने एक अपडेट आपकी निकाली है एमपीपीएटी की सेकंड राउंड से रिलेटेड। वो क्या है, आप देखो जेएनकेपी की ऑफिशियल साइट्स पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। क्रिप्स ऑनलाइन की जो साइट्स है उस पर आपको ये नोटिस इनका देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी क्रिप्स की साइट्स है उस पर अभी ये नोटिस आपका अपलोड नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी वैकेंट सीट की जो लिस्ट आती थी वो भी इन्होंने अभी फिलहाल में मेंशन नहीं की है कि कितनी सीट्स कहाँ पे खाली है, ठीक है। ये एक भी डाटा आपका जल्दी आएगा ऑफिशियल साइट्स पर, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। किसी में भी आपका वो लिस्ट अभी नहीं आई है कि कितनी सीट्स आपकी बची हुई है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया सेकंड राउंड नहीं होगा, सीधा आपका जो है अपग्रेड आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे बता दूं सेकंड राउंड हो रहा है। जिन भी स्टूडेंट को आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, कट ऑफ के आसपास रहेंगे, तो बिल्कुल उनको कॉलेज आपका अलॉट होगा, सीट्स कुछ ना कुछ वैकेंट होगी हर एक कॉलेजेस में। देखो सेकंड राउंड आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख से आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, 20/12/2023। आज 19 तारीख है, कल से आपका जो है अपग्रेड आ जाएगा। जिनने भी आपका अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, सभी का आपका अलॉटमेंट 20 से 22 तारीख के बीच में, मतलब 20 तारीख को ही लगभग सभी स्टूडेंट्स का आपका अलॉटमेंट आ जाता है। तो चेकआउट कर लेना भाई, कल आपके पास मैसेज आएगा अगर अपग्रेड हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो भी आपका मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो 20 तारीख को नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो आंशिक शुल्क का भुगतान होता है, आपको पता है 5,000 रुपए जिसने पे किए हुए हैं उसको आपका 21 से 27 के बीच में आपको पे करना है 5,000 रुपए, ठीक है। अच्छा एक बात और, जिनने अपग्रेड के लिए डाला है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपका कॉलेज पहले मिला था आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पन्ना कॉलेज मिला था, ठीक है, अब आपका अपग्रेड हो गया है तो आपको क्या मिल गया है, खुरई कॉलेज मिल गया है, ठीक है। तो अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर खुरई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, अभी आपको खुरई कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपका अपग्रेड होता है, और अपग्रेड नहीं होता है तो उसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा जहां आपको कॉलेज मिला था, ठीक है, पहले राउंड में वहीं आपको जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जिनका जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था आपका पेमेंट सीट पर कॉलेज, माना कि कोई भी कॉलेज मिला हो जैसे पबारखेड़ा उसको मिल गया था पेमेंट सीट पर, उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया तो उसका पबारखेड़ा उसको फ्री सीट पर मिल गया, ठीक है। तो जितनी भी आपने फीस एडमिशन के टाइम पर पे की थी पेमेंट सीट की, वो आपकी फ्री सीट कट, मतलब जितनी फीस आपकी फ्री सीट की होगी वो कट के आपको सारी रिटर्न हो जाती है। ये डाउट था स्टूडेंट को, तो ये बात भी याद रखना, आपकी सारी फीस मिल जाती है आपको। और जिनका अपग्रेड होता है उनको अभी फिलहाल में सीट लॉक नहीं करना है, ठीक है। एक बात ये भी आप याद रखना कि आपसे जो 5,000 रुपए में जमा करके फिर से सीट लॉक करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं आपको करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कॉलेज चलाना है जो भी आपको अपग्रेड में मिल रहा है, तो ठीक है। बाकी आप देखो यहाँ पे आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ प्रवेश, मतलब एडमिशन की डेट इन्होंने मेंशन कर दी है 26 से 29 तक आपका एडमिशन चलेगा। मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका था सभी से कि आपके कॉलेजेस 5 या 10 जनवरी तक स्टार्ट होंगे, 5 या 10 जनवरी तक, तो आप देख सकते हो कॉलेज आपके 5 या 10 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे, मतलब 26 से 29 आपका ये महीना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जनवरी में आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट होगी और जनवरी के लास्ट तक आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेज के। तो सेकेंड राउंड का फाइनली आपका यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी लिस्ट आ चुकी है, मतलब डेट आ चुकी है, कल आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। वेट करो, अगर लिस्ट आती है आपकी शाम तक तो आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात और आपको बता दूं, जिस भी स्टूडेंट्स को कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो एमपीपीएटी 2024 की प्रिपरेशन के लिए, तो आप देख सकते हो मेरे पास अवेलेबल है हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, एजी बंडू 3 सब्जेक्ट ग्रुप के हैं, जिसमें आपको ऑल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिलने वाला है, विथ आपको डायग्राम पीडीएफ मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन क्लासेस रहेगी, प्रॉपर सिलेबस, टॉपिक बेस, पर्सनल गाइडेंस, एग्रीकल्चर का न्यू डाटा के पीडीएफ है, मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, जितने भी आपके जो रिलेटेड चीजें हैं सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 6267289919, आप व्हाट्सअप कर सकते हो,
ठीक है, ये 499 का आपको ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में इतने का पड़ने वाला है, ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपकी लिस्ट आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने ऑफिशियली, आप जेएनके की साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपकी सीट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिप्स ऑनलाइन पर आएगी, तो आप जरूर एक बार विजिट करके देख लेना कितनी सीट कहाँ बची है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। फाइनली आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग अपग्रेड का अपना चेकआउट करके देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।